आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से नौवीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, ठांगर में चमकोट थाल में। नौवीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया था और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन छह हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन छह गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और प्रवीण जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, प्लायन आयोग बनाया था, और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग प्लायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी आधार भी बनती है।